हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा? सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके पीछे का रीजन। लंबे रास्ते वाली जो ट्रेनें होती हैं उनमें ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों होते हैं। अगर ड्राइवर को कुछ होता है तो असिस्टेंट ड्राइवर ट्रेन को हैंडल करके स्टेशन तक पहुंचाता है। जब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किसी कारण से अगर दोनों ड्राइवर सो जाए तब क्या होगा, सो फ्रेंड्स आइए जानते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रेल के इंजन में एक ऐसी डिवाइस लगाई जाती है कि यदि कुछ समय तक रेल के इंजन में कोई हरकत ना की जाए तो वह मशीन कुछ समय बाद ट्रेन में बंद इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देती है। और दोस्तों, ट्रेन के इंजन में 20 BCD डिवाइस लगी होती है जिसका पूरा नाम विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस है, जिसमें 60 सेकंड का टाइमर चलता रहता है। और इस 60 सेकंड में यदि ट्रेन के पायलट अथवा असिस्टेंट पायलट द्वारा कोई हरकत, जैसे कि ट्रेन का हॉर्न बजाना, ब्रेक लगाना, स्पीड बढ़ाना करता है तो टाइमर वापस स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों, यदि इन 60 सेकंड तक पायलट अथवा असिस्टेंट पायलट किसी भी तरीके से कोई हरकत नहीं करता है तो अगले 8 सेकंड तक BCD यूनिट एक लाइट लगती है। यदि इन 8 सेकंड में भी दोनों में से कोई हरकत नहीं करता है तो अगले 8 सेकंड तक एक बजर बजने लगता है जो कि मशीन के अंदर चालू होने की वार्निंग देती है। यदि इन 60 सेकंड में पायलट अथवा असिस्टेंट पायलट द्वारा बीसीडी एक्नॉलेज नहीं किया जाता है तो ट्रेन द्वारा पेनल्टी ब्रेक लगा दिए जाते हैं और गाड़ी वहीं खड़ी हो जाती है और इस तरह के बड़े हादसे से बचा जाता है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी जानकारी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।